हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर मार्च 2018 में वैकेंसी आई थी। अब मार्च 2018 से वैकेंसी आ गई, अब मार्च कितना आ गया है, अभी मार्च जो है वो 2022 जस्ट आ ही गया है। 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, 4 साल कंप्लीट हो चुका है। और जब इतना समय भर्तियों में लगता है तो फिर उस भर्ती का औचित्य क्या रहा? जो कैंडिडेट एक 28 साल का जज था जब आवेदन किया था, वो अभी कितना हो गया है, 32 का हो गया है, या जिसका लास्ट डेट था वो कितना हो गया है, क्यों समय लग रहा है, कुछ फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। अब देखिए, दो प्रकार की लिस्टें बनी हुई है, एक मैन लिस्ट है, एक एक्सटेंडेड लिस्ट है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि यदि आप मैन लिस्ट में हैं तो आप 100% आप सेलेक्ट, 100% आप सेलेक्ट हैं मेन लिस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको पता है। एक्सटेंडेड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो देखिए, ट्रेड्समैन में भी सभी कैंडिडेट्स का नंबर नहीं आया था, यानी कि सभी की ज्वाइनिंग नहीं आई थी, क्यों रुका हुआ है। अब एक तो प्रश्न यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल कतई नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी, इस बात को आप बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। क्यों समय लग रहा है कि कोर्ट केस रिट पिटीशन दाखिल हो गई, रिट पिटीशन दाखिल हो गई किस आधार पर हुई कि हमारे जो एससी के कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मांग जायज थी कि जब सबकी वैकेंसी बढ़ाई गई है तो एससी की कम क्यों की गई, और एससी की वैकेंसी जब 2018 में बैकलॉग वैकेंसी थी तो वो बैकलॉग वैकेंसी पूरी कहां से हुई। इस बात का जवाब एससी कैंडिडेट्स ने ना केवल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया बल्कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी जो है उसमें भी उन्होंने दरख्वास्त लगाया, और इसका जवाब आईटीबीपी से मांग लिया गया। आईटीबीपी ने, अब आईटीबीपी अपना पक्ष रखेगी कि किस आधार पे कम किया। अभी कुछ कैंडिडेट्स जो है वो ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या होगा, तो देखिए इसका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी तक जानकारी है उसके अनुसार जो एससी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो जरूर होगा, और उनका सॉल्यूशन होने के बाद या उससे पहले भी ज्वाइनिंग जारी हो सकती है कि ये जो है जितने कैंडिडेट एससी के बचे हुए हैं उनका, क्योंकि भर्ती पर अभी किसी प्रकार का स्टे होने की कोई जानकारी हमें नहीं आई है। कुछ केसेस जो है, कुछ रिट पिटीशन जो है वो मेडिकल वाले कैंडिडेट्स की हैं, तो मेडिकल के कैंडिडेट्स की रिट पिटीशन हर भर्ती में होती है, एसएससी जीडी में भी होती है, सीपीओ या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती होती है उसमें भी होती है, उससे भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। CPO SI में भी मेडिकल के रिट पिटीशन लगी हुई है, उसके बावजूद भी फाइनल रिजल्ट 31 जनवरी को आ गया है, तो आपका भी फाइनल रिजल्ट जो है उसकी तैयारी ऑलमोस्ट है। ये बात आप जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात से चिंतित हैं कि कहीं भर्ती कैंसिल नहीं हो जाए। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, भर्ती तो अभी और जल्दी होगी, 2018 से 2022 आ गया, उससे पहले क्या हुआ था, ट्रेड्समैन भर्ती जो थी उसमें क्या था, 2017 के सितंबर में वैकेंसी आई थी, और कब ज्वाइनिंग हुआ आपको पता है, बीच में 1 साल तो हम मान सकते हैं कि कोविड की वजह से डिले हो गया। तो जो हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बता सकते हैं कि भर्ती किसी प्रकार से कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट्स एससी के हैं, देखिए उनकी भी मांग अपनी जगह जायज है कि जो हमारी बैकलॉग वैकेंसी है वो तो बढ़नी चाहिए, वो भी बढ़नी चाहिए, वो जो वो कम किस आधार पर हुआ, तो उसका आईटीबीपी क्या जवाब प्रस्तुत करती है कोर्ट में उसके अकॉर्डिंग, और क्या जवाब प्रस्तुत करती है, बैकलॉग वैकेंसी पूरी कैसे होगी। बैकलॉग वैकेंसी तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट एंट्री की जो भर्ती होती है उससे ही पूरी होगी, क्योंकि ड्राइवर में किसी प्रकार का कोई प्रमोशन, सिपाही से प्रमोशन होकर ड्राइवर बनने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो यहां क्या होगा, ये जो बैकलॉग था ये बैकलॉग उनको पूरा करना होगा, और बाकी निर्णय जो है वो माननीय न्यायाधीश महोदय इसमें क्या निर्णय करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि कैंसिल तो नहीं होगी, बहुत सारे परिजनों के कॉल आते हैं, कैंसिल नहीं होगी, ज्वाइनिंग बिल्कुल जरूर होगी आपकी, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, इंतजार कीजिए, अपना शरीर जो है उसका बचाव रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान कोई चोट लग जाए, जैसे कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर में कैंडिडेट के साथ में हुआ। हमारे पास मेडिकल प्री मेडिकल चेकअप के लिए वो आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छा फोर्स भी मिल गया, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया और अभी पैर में रोड डाला हुआ है। अब रोड के साथ में वो
ट्रेनिंग में नहीं जा सकते, तो अब क्या होगा, अब एक्सटेंशन लेना होगा। एक्सटेंशन लेंगे और खुद का तकलीफ के आधार पर एक्सटेंशन लेंगे तो क्या होगा, आगे मेडिकल तो दोबारा होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो जाए, उसका विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।